बनाने जा रही हूँ नेनुआ आलू चना की सब्जी, जो खाने में दोस्तों आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है। इसे बिना टमाटर को आप सब्जी को बना सकते हैं कुकर में, और ये सब्जी बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम नेनुआ लिया था, उसका छिलका निकाल के इस तरह से कट किया है। साथ में दो आलू लिया था, उसे भी छिलका निकाल के इस तरह से कट करके, एक बड़े साइज का प्याज लिया, उसे भी कट किया है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कुकर रखा है, उसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल और इसमें जीरा डाला, तेज़पत्ता, हरा मिर्च को चीरा लगा, प्याज को डाला है और मिलाकर इसे 1 मिनट तक भून दूंगी। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया था, तो इसमें दरदरा कुटा हुआ लहसुन डाला है और इसे भी मिलाकर भून लिया है। तो इसमें मैंने आलू डाला है और इसे भी मिलाकर 1 से 2 मिनट भून लेना है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गया था, तो मैंने इसमें काले चने को भिंगो कर रख पहले से रखा हुआ था, ये अच्छे से फूल गया था, तो इसे भी डालकर और मिला दिया है। और साथ में ऐड किया है मैंने सूखा मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और मैंने इसमें जीरा गोलकी का पाउडर डाला है। और मसालों को भी अच्छे से मिलाकर भून लिया, स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसमें मैंने नेनुआ को डाल दिया है। और इस तरह से मैं मिला लेती हूँ, तो इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालाता है दोस्तों। अगर ज़्यादा मसाला डालिएगा तो नेनुआ की सब्ज़ी जो खाने में आपको टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। सिंपल तरीक़े से इस तरह से बना के देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है, ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी देखिए आ गया है और सब्ज़ी हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है दोस्तों। ये देखिए नेनुआ है जो खुद ही पानी छोड़ देता है, आपको डालने का ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम गैस पर 2 सीटी लगा दीजिए, तो मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ सब कीजिए। इसमें ना तो मैंने गरम मसाला डाला है, ना तो इसमें टमाटर डाला है, फिर भी ये सब्जी खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस रेसिपी को आप एक बार घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा दोस्तों कि सिंपल मसालों के साथ भी नेनुआ आलू चना का सब्जी इतना टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर से घर पर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें।